कालू जबरदस्ती कालू कालू कालू। आज मैं मिलाती हूँ आपको कालू से, क्योंकि मेरा पड़ोसी डॉगी है। ये रहा हमारा कालू। कालू जो है पागल है, अच्छा अच्छा कैमरे में देखूंगा। ये रहा कैमरा, ये कैमरा है, ये कैमरा है। ओए दीदी दीदी दीदी, ये हमारा छोटी बेबी है और ये हम दोनों हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे कॉलेज में आया होगा आपको अच्छा लगा। तो अब मैं उसके एक दो शॉट लेती हूँ। एक आलू, ओए ओए तुम छो गई तुम, इसको नींद आ चुकी है। इस बार भी मेरा बर्थडे फ्लॉप गया, क्योंकि हम मैंने बहुत कोशिश करी कि अच्छा, पर अच्छा नहीं था, क्योंकि एंड टाइम में थोड़ा सा ये आउटफिट था मेरे बर्थडे का, जो कि मैंने मैंने लुक लिया था अपने बर्थडे के। बालों को ठीक कर लेती और अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपने चिंपांजी से। मुझे आदत है पांडा को कुछ और बोलने का, कुछ और पांडा बोलने का। मैंने लास्ट टाइम सेंटा को, लास्ट वीडियो में सेंटा को पांडा बोल दिया था। इस तरीके से मुझे आदत है अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम लेने का। पर अभी मेरे पास, सोच के बोलती हूँ कहीं गलत ना बोलते इस बार भी, अभी हमारे पास है पांडा, रियल पांडा। ये कोई फेक पांडा, कोई सेंटा नहीं है, कोई कुछ और चीज है, कोई चिंपैंजी भी नहीं है, वो तो निकल जाता है मेरे मुंह से कुछ भी। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपने बेबी पांडा से। फीमेल पांडा है मेरी, क्यूट सी पांडा, वो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी, इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू। और मैं चाहती हूँ कि आप उसे मिलो और बताओ कि आपको कैसी लगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे जब मुझे पांडा मिला ना, आई फील कि मेरा बर्थडे हो गया। बात चाहे केक ना भी कटा होगा ना, केक कटा भी होगा ना, मतलब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल गया था कि बस मुझे मिल गया जो। तो चलो मिलते हैं मेरे पांडो से, मेरी फीमेल पांडा से, छोटू बेबी। तो वो थी मेरी फीमेल पांडा, अब मैं उसको गोद में लेके आपको दिखाती हूँ। मेरी बेबी ना, छोटी बेबी बहुत भारी है, इसे बहुत भारी लग रही है मुझे। तो मैं ऐसे इस तरीके से बात करती हूँ जैसे कोई छोटे बच्चे से बात करता, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा ही है ना मेरा बेचारे, कितनी क्यूट है। इसकी ड्रेस भी है, बता दो आपको, इसकी ड्रेस इस तरीके से ही ऊपर नीचे जाती, क्योंकि मुझे क्रॉप टॉप का शौक है ना। मेरी बेबी के पास भी क्रॉप टॉप है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका टॉप है, बता दूँ आपको, ये इसका टॉप, ये इसका पेचू पेचू, इसका टॉप है, ये देखो इसका टॉप, और इसके पास बाजू भी है टॉप में, इसकी आंखें हैं क्यूट क्यूट सी, बड़ी बड़ी सी। और मेरी बहन ने मुझे बोला है कि रात को इसको अपने बगल में लेके मत, कहीं मैं नींद में उठ गई और मुझे लगा कि मैं एनाबेल के साथ सो रही हूँ। सोच से एंड मुझे मिली है एक वॉच, वो मेरे को लास्ट बर्थडे में मिली थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट बर्थडे का गिफ्ट भी हम लोग खोल सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पिछले बर्थडे का ही खोलना कंपलसरी। तो मैं वो वॉच मेरे टेबल पे ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो फास्ट ट्रैक की है और कलर तो आप देख ही लेना अभी। ये रही मेरी वॉच, अब मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फास्ट ट्रैक की। मैं कोई फास्ट ट्रैक को स्पॉन्सर नहीं करती, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं दूर दूर पर, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट है इसीलिए दिखा दे रही हूँ। वैसे ये ऐसी दिखती है, इसके अंदर कुछ और भी होता है पैकिंग का, पर मैंने निकाल दिया था। और ये इस तरीके से दिखती है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसे देख सकते हो। ये पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, पर मैंने इसको कभी पहना नहीं, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने पहन लिया, क्योंकि रक्षाबंधन में मैं अपना भाई बन जाती हूँ अपनी बहन, तो उसकी राखियाँ भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करती है, पता नहीं करती है या नहीं, पर लगता। बट सच बताऊँ, भाई बनने वाली फीलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, इसलिए मैं हर साल उससे बोलती हूँ राखी बांध मेरे, जबरदस्ती वाला भाई हूँ। पर मुझे अच्छा लगता है जबरदस्ती वाला भाई बनना, क्योंकि ये राखियाँ अच्छी लगती है ना। क्या है ना कि पूरे साल तो कुछ पहनती नहीं हम हाथ, क्योंकि हाथ पे कुछ भी पहनना ऑकवर्ड सा लगता है, साल कोई कैसे पहन सकता है यार। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए राखी बांध दे, फैशन भी हो जाएगा, बैंडेज का काम भी कर। सॉरी उसे बैंडेज, उसे क्या कहते हैं बहन, अभी जैसे हाथ पे बांधते हैं, वह राखी नहीं जो लोग यूजुअली पहनते, हम दोनों बहने गंवा रहे इस मामले में, फैशन के मामले में। तो मेरे को याद करने दो, फ्रेंडशिप, अब चलना फ्रेंडशिप बैंड थोड़ी कहते हैं उसे कुछ कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, हेयर नहीं बैंड, बड़ बैंड भी नहीं बे, उसे शायद कहते हैं नेकलेस भी नहीं कहते, ब्रेसलेट, यस अभी याद। तो फाइनली इतना तो पता चल गया कि उसे ब्रेसलेट कहते हैं।
पूरे साल हाथ पे ब्रेसलेट बांध, लाइक सर दर्द होता है यार, कोई कैसे पूरे साल बोझ लेके घूमे। 2 मिनट हो गए वैसे, 1 मिनट आई गेस, कब से पहनी मैंने, 1.5 मिनट हुए होंगे सर मैक्सिमम घड़ी को पहने हुए। ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं धरती का बोझ तो नहीं पहना, पर लोग पूरे पूरे साल ब्रेसलेट मोटे मोटे से कंगन पहन के घूमते। चलो लड़कों को समझ में आता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता होगा कि उन्होंने ब्रेसलेट पहना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता, वो तो उनको भारी नहीं लगता। लिटरली मैं ये बोलूँ कि मैं तो कान की भी पहन लो, मुझे ऐसा लगा मैंने पता नहीं क्या बार उठा, ये तो हाथ में जो उंगलियों में पहने ये भी पहन के भी ऐसा लगता है। दिन भर में मैं इनको अंदर बाहर करती रहती ताकि बोझ ना, तो पूरे साल में ब्रेसलेट तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, लाइक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले, और ना ही मैं वॉच पहन सकती, क्योंकि एक तो मैं पता नहीं कहाँ पानी वानी में डाल गया जाऊँ, और बेचारी मेरी वॉच की मांगियाँ हो जाएगी। इससे बेटर है कि रिस्क ही मत लो, है ना, सही काम करती हूँ ना मैं। कमेंट करके बताओ कि मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ। वैसे तो मुझे प्राउड है क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते, तो मुझे अच्छा सा फील होता है, तो मुझे अच्छा सा इसलिए फील होता है क्योंकि आप अच्छे अच्छे कमेंट करते, और किसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो। अगर मैं आपके बारे में अच्छा बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए थैंक यू सो मच। जो जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि सबको थैंक यू, तो टॉपिक को लंबा नहीं खींचते, मेरे को बर्थडे में जो जो गिफ्ट मिला उसको मैं वीडियो में प्रॉपर तरीके से दिखाने वाली, पर मैं अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि 2 दिन के अंदर सारा चॉकलेट हम खा चुके हैं। मुझे मिली थी एक तो वेफर्स मिले थे, एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट बॉक्स मिले, एक पंजी मिली थी, मेरी बेबी यहाँ पे ये मेरी, एक मेरी बेबी मिली थी येरी, और चॉकलेट तो खा ली, इसे खा नहीं सकते थे इसलिए ये यहीं पे चॉकलेट पेट में, वेफर्स आज खत्म कर, और घड़ी पहन ली, तो बस यही है बस। बाकी मेरी पांडी को बताओ कमेंट करके कि कैसी लग रही है वो, क्यूट पांडी है ना मेरी बेबी। मैं इसको टच नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे फेस पे मेकअप है, बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे। तो ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट, पीछे की साइड वाले में, पीछे वाले में पांडा, एंड इसमें ये सामान है, तो इसको पहले खोल देते हैं। ये है वेफर्स, वेफर स्टिक्स है, दूसरा ये है चॉकलेट बॉक्स, ओह माय गॉड। तो सेकेंड गिफ्ट था हमारा चॉकलेट, इसको भी साइड में रख देते हैं, 2 हो गए। तो तीसरे की तरफ, तीसरा है हमारे पास मोमेंट का चॉकलेट है, थर्ड वाला ये है। खुशी तो आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे कि तो 3 हो गए। चलो चौथे को खोलते हैं, एंड इट्स केक, सीरियसली माय गॉड आई लव्ड इट। तो अभी मैं अपनी बेबी को सुला रही हूँ, ठीक है, ये रही, दिखा देती हूँ आपको। अब मेरी बेबी के सोने का टाइम हो गया, ठीक है, अपने बच्चे को सुला देती हूँ मैं, आप लोगों से कल बात करते हैं, आज के लिए इस बर्थडे को कर देते हैं यहीं पे स्टॉप। पर हाँ, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, अपना आउटफिट दिखाती हूँ कि मैं बर्थडे पे कैसे लग रही थी। बहन कैमरा पकड़ और ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा, बहनों की ऐसे लेनी चाहिए क्या है कि ये कौन सा स्टाइल था, जो भी था, वट एवर, वी कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज इट्स माई बर्थडे, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई बर्थडे कर करके मैंने कितनों का सर दर्द करा होगा आज, मुझे नहीं पता, पर जिसका भी सर दर्द हुआ है उसको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। आप इस बर्थडे को देख लूँगी, बाय बाय करो, और मेरी बेबी आपको बाय बाय कर रही है गाइस, बाय, सी यू सून, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मेरी पांडा की तरफ से अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डे को ये वीडियो अपलोड नहीं होगी, तो भी उसके दूसरे दिन, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अपने क्यूट सी पांडा के साथ, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखो सब लोग, मैं छोटी पांडी हूँ और आप सबको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहती हूँ,
और मेरी क्यूट क्यूट सी आंखें हैं, मैं बहुत क्यूट हूँ, मेरी बहुत क्यूट सी ड्रेस है, उस पे क्यूट सी पांडी बनी हुई है, और मैं आपको क्यूट क्यूट से फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल